मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मेरे प्यारे बच्चों, जैसा एसएससी ने चेंज किया है अपने पैटर्न में, उसके हिसाब से बहुत सारे बच्चे बहुत मिसगाइडेड भी होने लग रहे हैं, चीजों को लेके कंफ्यूज भी हैं कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस पे ज्यादा फोकस देना चाहिए, किस पे नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात यह आती है कि क्या हमारा सिलेबस चेंज हुआ है? रत्ती भर भी चेंज नहीं हुआ। जो पहले था वही है, एज इट इज है, सब कुछ सेम है। वर्ड बाय वर्ड मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूं। देखो मेरे बच्चे, पहले भी प्रीलिम्स होता था, आज भी प्रीलिम्स है। पहले भी एसएससी सीजीएल प्री में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएसके भी 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, आज भी वही पूछे जाने। पर कितना है कि पहले प्रीलिम्स का जो स्कोर होता था वो फाइनल मेरिट में जोड़ा जाता था, अब वो नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसका एक पक्ष ये समझा जा सकता है कि सर नहीं जोड़ने से प्री की वैल्यू खत्म हो गई। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, तो सर प्री में कितने भी नंबर आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। प्री क्वालिफाइंग जरूर है, बट सच में क्रिटिकल है प्री। प्री में आपका अच्छा स्कोर होना बहुत जरूरी है। एक एक करके स्टेप वाइज बताता हूं ऐसा क्यों। मेंस में मेरे बच्चे, मेंस में पहले भी मैथ और इंग्लिश पूछे जाते थे, आज भी मैथ और इंग्लिश पूछे गए हैं। लेकिन पेपर को बैलेंस किया गया है और ठीक भी किया गया। अब क्या किया गया मेरे बच्चे, जीए भी पूछने लगे हैं, जीएस वाला पोर्शन भी और इधर रीजनिंग वाला पोर्शन भी उन्होंने एड ऑन कर दिया। क्या आप रीजनिंग पहले नहीं पढ़ते थे? नेचुरल पढ़ते थे। अगर रीजनिंग के शुरुआत में मान लीजिए 25 क्वेश्चन आते थे प्री में, और उन 25 को उठा के 30 क्वेश्चन कर दिया, 40 क्वेश्चन कर दिया, तो क्या उससे पैटर्न में चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे ये चल रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं उसमें। तो जो चीज आप पढ़ रहे थे वही पढ़नी है, कुछ और नया नहीं पढ़ना। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर शायद इस विरोधाभास में बैठे हुए हैं कि इसका जो कंटेंट आना है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। 0% भी वो सही नहीं है। जो आ रहा है वही आएगा, वैसा ही पोर्शन रहेगा। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, वो ये, जैसा मैंने आपको लिखा भी यहां पे, कि जो प्री है ना वो क्वालिफाइंग है लेकिन क्रिटिकल है। क्रिटिकल क्यों है उसका कारण समझिए मेरे प्यारे बच्चों। आज से पहले क्या होता था? प्रीलिम्स होता था, मेंस होता था और उसका डिस्क्रिप्टिव होता था। तो छटनी का लेवल धीरे 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 करके ऊपर चलता था। अगर मान लीजिए 8000 पोस्टें हैं तो लगभग 35000 बच्चे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे होते थे, यानी लगभग 4 से 5 गुना। फिर लगभग उसी में कोई रेशियो जनरेट करके मेंस एग्जाम दिलाते थे, और फिर उसी से कोई रेशियो जनरेट करके प्री, यानी इस तरीके से छटनी होती थी। इस बार क्या हुआ मेरे बच्चे, डिस्क्रिप्टिव हट गया, बहुत अच्छा भी हुआ, हटना भी चाहिए था। बहुत सारे बच्चे बहुत ब्रिलियंट थे लेकिन इस जगह आके फंस जा रहे थे। अब दिक्कत कहां आ रही है कि आपके पास एक ही हर्डल है और वो है मेंस, क्योंकि जो स्कोर बनना है वो मेंस का बनना है, जो भी सिलेक्शन होना है मेंस के बिहाफ पे होना है। और अगर मेंस के बिहाफ पे होना है, और एक कंडीशन और जुड़ी हुई है मेंस के साथ कि ये उन्होंने साफ साफ लिखा है कि सिंगल शिफ्ट में वो एग्जाम कंडक्ट कराने वाले, यानी मेंस एक ही शिफ्ट में होने वाला है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी शिफ्ट में मेंस का एग्जाम हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेंस एक ही शिफ्ट में होना है, एक शिफ्ट का मतलब एक मैथ का पेपर एक ही बार हो रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि कल भी मैथ का पेपर था आज भी मैथ का, ऐसे नहीं है। तो दिक्कत यह होगी कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट है नहीं कि वो प्री इतने बच्चों को क्वालिफाई करा दें कि चलो 5 लाख 6 लाख 7 लाख बच्चों को मेंस दिला दें। शायद इसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है। और अभी भी उनका मेंस का जो रेशियो लगभग 1 लाख 10 हजार के आसपास है, और खूब हद करेंगे तो 2 लाख तक ही मेंस के बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे। तो जो प्रीलिम्स है ना, प्रीलिम्स से अगर इनको 2 लाख बच्चे छाटने होंगे वह इनको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इससे पहले एसएससी में लगभग 20 से 22 लाख बच्चा फॉर्म भरता था, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा लालच आ गया 20,000 वैकेंसी का। और मैं आपको डिस्कस भी करूंगा कि इसमें यूपीएससी वाले क्यों कूदेंगे या और दूसरे सेगमेंट के लोग क्यों कूदेंगे इसमें। तो यहां नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ेंगी और 20,000 तो अभी है। अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो टाइमली अपने फीड नहीं करते हैं कि हमें कितने की रिक्वायरमेंट है, वो टाइम टू टाइम आती रहती है। तो जब ये फाइनल पे जाते हैं तो काफी वैकेंसी बढ़ जाती है, और मुझे लगता है कि लगभग 25,000 वैकेंसी यहां पे आने वाली है, श्योर शॉट आने वाली है। तो इतने बड़े लोट में वैकेंसी आना बच्चों को अपने आप अट्रैक्ट करता है इस चीज से जुड़ जाने को। और अगर ये सिचुएशन होगी और मेंस में कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेके आने वाले हैं,
क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इतने सारे बच्चों का एक शिफ्ट में मेंस का एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए, तो उस सिचुएशन में मेरे बच्चे प्री की जो क्वालिफाइंग रेट होगी ना वो बहुत टफ होने वाली है और प्री बहुत मुश्किल हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिफाइंग नेचर मेरिट के हिसाब से। एग्जाम का लेवल जैसा है वैसा ही रहेगा। तो जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो इस सोच में तैयारी कर रहे हैं कि मेरे प्री के मार्क्स मेंस में जुड़ने वाले हैं, वो इस समय बिल्कुल ठीक तरीके से तैयारी कर रहे हैं और वो इस एग्जाम को ठीक तरीके से एनालिसिस भी कर पा रहे होंगे। तो मेरे बच्चे, आपके लिए प्री की इंपॉर्टेंस ज्यादा है पहले से भी। ये मत सोचिएगा कि क्वालिफाइंग नेचर हो गया तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, 100% इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मेंस में बहुत प्री दे बहुत बच्चा रहा होगा लेकिन मेंस में उतना बच्चा जाना नहीं है, तो प्री में अच्छा स्कोर आना बेहद जरूरी है।